नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कव्यागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम भ्रष्टाचार निरोधक कानून की बात करेंगे। भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 जारी किया था, जिसमें भारत 180 देशों की लिस्ट में 78वें स्थान पर रहा। जाहिर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत मुहिम की जरूरत है। इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाया गया। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 करीब 3 दशक पुराना है। इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने का प्रावधान है। प्रावधान ये भी है कि लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केंद्र के मामले में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों से अनुमति लेनी होगी। रिश्वत लेने वालों को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। जांच के दौरान यह भी देखने का प्रावधान है कि रिश्वत किन परिस्थितियों में दी गई है। इस कानून में और भी कई प्रावधान हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करने में मदद करते हैं। ये तो थी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के बारे में बुनियादी कानूनी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी, आपको भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तमाम नियम कायदे कानून की जानकारी देंगे, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होगा, हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा एक और नंबर 8377009636। ये नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की जानकारी और इसी को लेकर आज का अहम सवाल, अगर इस दौरान आपका कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम सवाल हम लेंगे और साथ ही साथ राय और जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका इस खास कार्यक्रम में। प्रदीप जी, आज हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाने का जो मकसद था, जो रीजन रहा, वो मकसद आखिरकार था क्या? पूजा जी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बेसिकली 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था जी, और उसके बाद अभी लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट हो गया है। एक्चुअली जैसा कि नाम अपने आप में ही दर्शा रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, तो जो करप्शन है उसको रोकने के लिए ये इस एक्ट का गठन किया गया, ताकि किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या कोई और भी, इसमें जब हम गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट तक कन्फाइन ना होकर, वहां तक सीमित ना होकर उसका दायरा उसके बियॉन्ड चला जाता है। टाइम टू टाइम कुछ खामियां रही, इसीलिए सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले इसमें अमेंडमेंट भी किया है। पूजा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि पब्लिक ड्यूटी क्या होती है और पब्लिक सर्वेंट क्या होता है। क्योंकि जब पब्लिक ड्यूटी की बात करेंगे तो कोई भी अधिकारी, खाली वो जो कोई भी पब्लिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो पब्लिक ड्यूटी को सेक्शन 2B ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है कि पब्लिक ड्यूटीज होती क्या है। इसी तरह सेक्शन 2C पीसी एक्ट में ये डिफाइन किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट्स कौन है कौन, और इसमें सभी तरह के गवर्नमेंट ऑफिसर्स, नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इवन पूजा जी इसको कंपनी एक्ट में, क्योंकि डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं तो उसमें भी कंपनी एक्ट में सेक्शन 617 में 616 में, सॉरी आई एम सॉरी 617 कंपनी एक्ट के सेक्शन में भी इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसमें पूजा जी ये है कि पब्लिक ड्यूटी क्या होगी। पब्लिक ड्यूटी कोई भी ऐसा काम जो गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर अधिकारी को सरकार को दिया है और वो उस कार्य को करेगा। पब्लिक सर्वेंट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को छोड़कर जी,
कोई भी आदमी पब्लिक सर्वेंट, अब क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक सर्वेंट होते क्या हैं? पब्लिक सर्वेंट वो सभी लोग हैं जो कि सरकार से तनख्वाह पा रहे हैं या किसी भी तरह का रिनेमरेशन ले रहे हैं, किसी भी तरह का कोई पैसा सरकार से ले रहे हैं। इसमें लेकिन एक कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्टर्स की, जो बेशक सरकार उनको गठित करे, किसी काम के लिए एंगेज करे, वो इस पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते। प्रदीप जी, इससे आगे चर्चा करेंगे आपसे। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से, उनसे जरा उनका सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका, बताइए। मैडम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, एक बार फिर से सवाल दोहराइए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैडम जी, हमने ऐसे सामान लिया था एक्सप्रेस सामान, और उसने पेमेंट डलवा लिया हमारे से। मैडम जी, वो पेमेंट लेकर वो सामान नहीं भेज रहा, सामान सामान आपसे ले लिया गया और पेमेंट नहीं चुकाई गई है उसकी, ये इनका सवाल है। सामान लेना था मेरे से, पैसे डला लिए खाते में अपने। ठीक है ठीक है, प्रदीप जी। हाँ जी उदय जी, सामान ले लिया और पेमेंट नहीं दी, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं आता है। क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तभी लागू होगा जब आपसे उस पर्टिकुलर एक काम को, जो पब्लिक ड्यूटी है, उसको करने के लिए अगर किसी तरह का आपसे कोई फेवर मांगा जाए, ठीक है, कुछ पैसे मांगे जाए, कैश में और काइंड में। लेकिन प्रदीप जी, इनिशियली क्या कर सकते हैं, मतलब अगर इनको कुछ करना हो कोर्ट की तरफ से, क्या कानूनी प्रक्रिया रहती है? यही सबसे ये पहले, जैसे हाँ। जैसे ये कह रहे हैं कि इनसे सामान ले लिया गया और इनके पैसे नहीं दे रहे, तो सबसे पहले इनको ये देखना पड़ेगा कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इन दोनों में एक रिलेशन बना, जिसमें वो एक एग्रीमेंट हुआ होगा और एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन होंगे, अगर इनको फिर भी लगता है तो ये अपने उससे सुपीरियर अधिकारी के पास एक लिखित तौर पर एक कंप्लेंट कर दे, और कंप्लेंट से पहले एक रिप्रेजेंटेशन दे दे कि ऐसे ऐसे एग्रीमेंट के तहत इतना समय पे इतना सामान देने पर मुझे इतना पैसा मिलना था जी। अब मैं सब मैंने अपनी सारी कंडीशंस को पूरा कर दिया है और उसके बावजूद मेरी पेमेंट रुक गई है। ठीक है, चलिए, तो उनका सवाल रहा। अब जरा प्रदीप जी, हम ये जानना चाहेंगे, जो करप्शन एक्ट 2018 है उसमें अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट में क्या जो बदलाव है, बदलाव की प्रक्रिया क्या है और बदलाव क्या कुछ लाए गए हैं उसमें? जी पूजा जी, अभी जब 2018 में जो एक्ट जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, उसमें वैसे तो सभी कैटेगरीज मोर और लेस सेम ही है, बस क्योंकि अगर मैं एक एक चीज को बताने लगूंगा तो काफी सारा समय ले लेगा ये जी, जी। और हमारे पास समय का भी अभाव रहता है, तो इसलिए मैं आपको एक वो बात बता सकता हूँ संक्षेप में, कि जो सब लोगों के फायदे की हो और जिसे लोग बात समझ सके अच्छे से कि एक्चुअली है क्या। एक बात पूजा जी मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसमें जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो जो केस चलता है वो समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल का मतलब जिसे बहुत फास्ट ट्रैक, बहुत ज्यादा जल्दी इसको करना होता है, और इसमें जो भी जज साहब होते हैं वो स्पेशल जज होते हैं इसके अंदर, जो इस जो पर्टिकुलरली इसी टाइप के केसेस को देखते हैं, और इसमें डे टू डे प्रोसीडिंग का प्रावधान है, मतलब आपको रोजाना केस रोज रोज उसी केस को सुनना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अब जो चेंज आया है, वो अमेंडमेंट जो हुई है, वो इसमें अभी भी डे टू डे का प्रावधान तो अभी भी है, लेकिन अगर किसी कारणवश ये डे टू डे प्रोसीडिंग्स में अगर ये केस 2 साल की अवधि तक अगर पूरा ना हो पाए, तो स्पेशल जज को अपना डिले का एक रीजन देना पड़ेगा कि ये डिले क्यों हुआ जी। और उस डिले के लिए इनको 6 मंथली, मतलब फिर नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो 2 ईयर्स प्लस 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर अंदर इनको फिर फैसला देना पड़ता है। अगर उसके भी बियॉन्ड जाते हैं तो फिर 6 मंथ्स का एक्सटेंशन होगा, लेकिन किसी भी सूरत के अंदर ये जो पीरियड है ये 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सूरत में अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसके अंदर आपको 4 साल में किसी भी सूरत में वो केस को पूरा करना पड़ेगा,
अगर कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस नहीं है तो। लीगल हेल्पलाइन, अगर आपका भी कोई सवाल है आप जुड़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे की। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे साथ, प्रदीप जी है हमारे साथ। प्रदीप जी, अब जरा आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जो लोक सेवक होता है उसको घूस देने से संबंधित अपराध क्या क्या है और सजा का जो प्रावधान है वो कितना है, मतलब कितनी सजा जो है वो मिलती है? पूजा जी, एक्चुअली इस पे डिफाइन किया गया है सेक्शन 7 और 8 जो पीसी एक्ट के हैं, उसमें डिफाइन किया है एक तो देना और एक लेना। कोई आदमी किसी से मांगता है, डिमांड करना, 7 में डिफाइन है कि डिमांड करना होता है जी, जी। और सेक्शन 8 में प्रोविजन है एक्सेप्ट करना उसको, क्योंकि डिमांड करके एक्सेप्ट ना करना तो साइकिल कंप्लीट नहीं होता, और जब तक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा इतने उसके किसी भी अधिकारी के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं हो पाएगा। अब रही इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं जो सेक्शन 13 में जो डिफाइन की गई है, इसे हम क्रिमिनल मिसकंडक्ट भी बोलते हैं जी। आपने मुझसे सजा के बारे में पूछा तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दो तरह के इसके अंदर एक्ट्स हैं जिसके ऊपर डिफरेंट तरह की सजा का प्रावधान है। एक हो गया जो किसी ने एक बार लिया रिश्वत, पकड़ा गया, सजा हो गई। एक हो गया जिस जो हैबिचुअल एक्सेप्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जो लेते हैं या उसको एग्री कर लेते हैं लेने के लिए या उसको पाने के लिए एक एफर्ट करते हैं। तो अगर जो हैबिचुअल, इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 5 से लेकर 10 साल तक एक्सटेंडेबल है जी। अगर कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट, मतलब जिसमें हैबिचुअल एक्सेप्ट करता है कोई भी ऑफिसर, वो 10 ईयर्स तक जा सकता है प्लस फाइन भी हो सकता है, और अदरवाइज 5 से 10 साल के बीच में उससे डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी किस तरह का केस है, किस उसमें संज्ञान कैसा लिया गया है उसको देखते हुए सजा का प्रावधान है इसमें। पूजा जी, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो सेक्शन 13(1) सबसेक्शन डी, उसमें इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती क्या है, तो उसके अंदर वो डिफाइंड है और उसके हिसाब से फिर ये प्रोसीड कर लेते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, ठीक है। सर, मैं आगे भी बढ़ती हूँ क्योंकि कई सारे सवाल हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है वो आपसे हम एकत्रित कर सकें। अब जरा हम ये जानना चाहते हैं कि जो सरकारी सेवक है क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए कब या फिर कौन से ऐसे हालात होते हैं जिनमें सजा दी जा सकती है उनको? उदय जी, कोई भी मिसकंडक्ट तो उसी समय पर हो गया जब आप किसी आदमी ने उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट हो गई। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गई और उसने, इसीलिए 13(1)(d) में उसका प्रावधान है, उसमें एसेंशियल्स है कि, और एक बात और बताना चाहूंगा पूजा जी इसके अंदर में, कि जरूरी नहीं है कि आप कैश में ही किसी चीज को एक्सेप्ट करें, वो काइंड में भी हो सकती है, वो डिस्काउंट भी हो सकता है, वो कोई अदर देन कैश हो सकता है, किसी भी तरह का फेवर जो एक जो लीगल रेम्यूनरेशन है किसी सरकारी आदमी को, एक तनख्वाह मिलती है, अगर उसके अलावा किसी भी तरह का फेवर कुछ वो अगर वो लेता है तो वो उस प्रोविजन के अंदर आ जाता है और उसको हम इस क्रिमिनल मिसकंडक्ट में हम काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर इसके अलावा हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, तो कानून द्वारा किस किस अपराधों की जो सजा है वो दी जाती है? इसमें किसी भी तरह का, अब आप देखेंगे कि जैसे कई जगह पर लेडीज भी काम कर रही होती हैं, अब क्योंकि इसमें जो वर्ड है ग्रेटिफिकेशन, वो ग्रेटिफिकेशन अदर देन रेम्यूनरेशंस है, मतलब आपको जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह के अलावा अगर आप कोई लेडीज हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि अगर वो लेडी कोई काम कराने के लिए किसी ऑफिस में आई और उससे किसी भी तरह के सेक्सुअल फेवर्स या किसी तरह के दूसरे फेवर्स कोई भी अधिकारी ले कि मैं आपका काम तब करूंगा, तो ये भी एक करप्शन में ही आता है। जी बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने रखी है सर। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, वसंत हैं हमारे साथ नागपुर से। वसंत जी, सवाल पूछिए आपका, बताइए। हेलो, हेलो, बोलिए। हेलो,
हाँ जी नमस्कार मैडम जी नमस्कार। हाँ जी हमारे रिश्तेदार में एक लेडी को है ना, उसके हस्बैंड ने एक साल से उसके मम्मी पापा के यहाँ रख दिया है और फिर नोटिस भी भेजा है डाइवोर्स के लिए। जी तो उससे बात करनी थी, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसकी डेट भी है 26 तारीख की। नागपुर से बात कर रहा हूँ सर। इस तरीके के केसेस में क्या किया जाए, शुरुआती प्रक्रिया बता दीजिए ने बस। पूजा जी इसमें तो अगर ये हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट में इनको डाइवोर्स फाइल करना पड़ेगा सेक्शन 13 के अंदर। वो एक और उसमें दो चीजें जरूरी हैं जो उस टाइम पे होना जरूरी होती है अगर आपको डाइवोर्स सीख करना है। एक तो ये है कि आपको क्रुएल्टी प्रूव करनी होगी कि आपके ऊपर क्रुएल्टी हुई, और दूसरा दोनों के बीच में कम से कम 1 साल का सेपरेशन मस्ट है इसके अंदर। ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगे तब आप वो पेटिशन को फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस दौरान अगर दर्शकों का कोई भी सवाल है भ्रष्टाचार से रिलेटेड तो हम चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में जुड़े। टेलीफोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, आप कानूनी सलाह ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं, अधिवक्ता से जो भी आप जानकारी चाहते हैं जरूर पहुंचाइए। सरकारी कर्मचारी घूस मांगे तो क्या कुछ रहता है और भी कई सवाल होंगे वो हम जानेंगे। अब ये आपसे हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी घूस मांगे तो कैसे और कहां शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं सर कि लोगों को ये तो पता है कि घूस लेना देना दोनों अपराध है, लेकिन कैसे इसकी जो प्रक्रिया है अगर कोई इनसे लेता भी है तो लोग कहां पर जाएं, शिकायत आखिरकार की कैसे जाए? पूजा जी इसके दो तरीके हैं। एक तो आपको पता है कि विजिलेंस सेल होता है, किसी भी गवर्नमेंट का विजिलेंस सेल होता है। दूसरा आप चाहें तो दूसरी जगह भी आप शिकायत कर सकते हैं, जैसे CBI हो गई या कोई भी दूसरी, ये ऐसी अथॉरिटीज है जहां पर जाकर आपको एक लिखित रूप में एक कंप्लेंट करनी होती है। जी उस कंप्लेंट को वेरीफाई किया जाता है पहले कि क्या जो शिकायत करता है उसके आरोपों में किसी तरह का सत्यापन है या नहीं, सच्चाई है या नहीं। उसको करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है। जी कई बार क्या देखा गया है कि कोई आदमी किसी को भी परेशान करने के लिए भी झूठी शिकायतें कर देते हैं, तो इसमें भी एक स्टेप बाय स्टेप बहुत से ऐसी चीजें हैं कि वो एक इसमें। पूजा जी एक बात और मैं बताना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। इसमें खाली भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी की शिकायत कर दी और वो उसको सजा मिल गई। आप जानते हैं कि जब भी किसी सरकारी ऑफिसर के ऊपर, सरकारी अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है तो पहले उस कंप्लेंट को आपको उस अधिकारी को देना पड़ेगा जो उसको नियुक्त करता है। बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर सैंक्शन बोलते हैं, SANCTION, सैंक्शन। सैंक्शन लेनी होती है अपने सीनियर ऑफिसर से कि ऐसे ऐसे कि क्या इसके जो एक्ट्स हैं अधिकारी के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आते हैं या नहीं है। तो जो भी विभाग है वो पहले उसके अधिकारी को वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हमें ऐसा लगता है कि ये प्रिवेंशन, ये करप्शन में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वो अधिकारी ऐसा समझता है कि सामने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से ये सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर अधिकारी को प्रताड़ित करने का ही माध्यम है या उसको किसी ना किसी तरह से हरेस किया जा रहा है तो वो मना कर सकता है, तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलता है। एक बात पूजा जी मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें पब्लिक सर्वेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है मैक्सिमम, तो सैंक्शन कौन प्रोवाइड कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसके अंदर। सैंक्शन वही कर सकता है प्रोवाइड जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो, मतलब जिसे उस पर्टिकुलर अधिकारी को अपॉइंट करने का अधिकार हो और उस अधिकार को वो उसको हटाने के लिए भी यूज करे, क्योंकि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा वही रिमूवल अथॉरिटी भी होगा। तो सैंक्शन भी वही अधिकारी देगा जो उसको, जो एम्पावर्ड है उसको अपॉइंट करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, आप जुड़े हमारे साथ और महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से मिली है और कैसे जो है हम शिकायत कर सकते हैं, कैसे उसका समाधान हमें मिल सकता है, उसकी जो प्रक्रिया है और जो कानूनी पहलू है, प्रावधान है, वो हमने समझे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।